नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग टू डिजिट नंबर्स बाय वन डिजिट नंबर विदाउट कैरी अब हम टू डिजिट नंबर के मल्टीप्लाई देखेंगे वन डिजिट के साथ ओके okay, बिना कैरी के ओके okay, एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लाई फोर्टी थ्री बाय टू हमको फोर्टी थ्री बाय टू मल्टीप्लाई करना है अब इसको सॉल्व करते हैं फोर्टी थ्री मल्टीप्लाई बाय टू थ्री हमारी वंस प्लेस हो गई फोर हमारी टेंस प्लेस हो गई ओके अब हम वंस प्लेस से हमेशा प्लस माइनस भी स्टार्ट करते हैं ओके टू में पहले हम थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे ओके टू में हम पहले थ्री वंस का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टू में हम फोर टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे ओके टू इंटू थ्री वंस इक्वल टू टू जा कितने होते हैं सिक्स क्या आ गया हमारा आंसर टू जा सिक्स ओके okay. अब वंस प्लेस को भूल जाओ है ना अब टू में किसका मल्टीप्लाई करेंगे फोर का टू जा कितने होते हैं टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स टू फोर ज़ा एट तो हमारा आंसर क्या आ गया एट वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करके वंस प्लेस पे लिख दिया टेंस प्लेस से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर टेंस प्लेस पे आ गया मल्टीप्लाई फ़ोर टेंस इंटू मल्टीप्लाई फोर टेंस बाय टू मीन्स टू इंटू फोर टेंस इक्वल टू एट टेंस ओके आई समझ में पहले आपको वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करना है फिर आपको टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करना है ओके okay? क्लियर और हम समझते हैं ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल है फोर्टी बाय टू मल्टीप्लाई फोर्टी बाय टू ये फोर्टी बाय टू ये वंस प्लेस हो गई ये टेंस प्लेस हो गई ओके okay, अब हम सबसे पहले सब भूल जाते अब हम सिर्फ वंस प्लेस से का मल्टीप्लाई करते आप टू में ज़ीरो का करो या ज़ीरो में टू का करो एक ही बात है टू मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो तो आंसर क्या आएगा ज़ीरो आप ज़ीरो में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा ज़ीरो आएगा देखो यहाँ लिखा है नोट एनी थिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो और मल्टीप्लाई टू ज़ीरो इज ज़ीरो इट्सल्फ ठीक है जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा ज़ीरो ये हमारा वंस प्लेस का हो गया ठीक है अब हम फोर टेंस और टू को मल्टीप्लाई करेंगे आप फोर ज़ा फोर मल्टीप्लाई बाय टू करो या टू मल्टीप्लाई बाय फोर करो आंसर सेम आएगा तो टू का टेबल हम फोर टाइम्स बोलेंगे टू वन ज़ा टू 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 जा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स टू फोर ज़ा एट तो हमारा आंसर क्या आ गया एटी आ गया ये एट जीरो पहले वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करना देन टेंस प्लेस से हम और एग्जाम्पल देखते हैं ओके मल्टीप्लाई Tens प्लेस वंस प्लेस ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय वन ओके अब वंस प्लेस से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स वन मल्टीप्लाई बाय फाइव वन फाइव जा, फाइव फिर tens प्लेस का करेंगे हम ये मैं आपको रफ़ में बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो वन मल्टीप्लाई बाय टू तो क्या आ गया आंसर मल्टीप्लाई बाई टू वन टू झा टू ओके तो ये 25 आ गया। वन्स प्लेस से मल्टीप्लाई किया हमने देन टेंस प्लेस से नेक्स्ट देखते हैं वन्स प्लेस से ये 12 है मल्टीप्लाई बाय टू है ना अब टू का टेबल हमें वंस प्लेस के साथ भी बोलना है और टेंस प्लेस के साथ भी बोलना है पहले हम वंस प्लेस के साथ टू टू झा फोर अब हम टेंस प्लेस के साथ करेंगे टू मल्टीप्लाई टू तो क्या आ गया आंसर ट्वेंटी फ़ोर क्या आ गया आंसर ट्वेंटी फोर नेक्स्ट टेंस प्लेस वन प्लेस टेन मल्टीप्लाई बाय फोर अब फोर में हम जीरो का भी मल्टीप्लाई करेंगे फोर में हम वन का भी करेंगे पहले वन प्लेस का फोर मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो में हम किसी भी किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है ज़ीरो ओके फोर मल्टीप्लाई बाय वन फोर मल्टीप्लाई बाय वन फोर जा फोर तो क्या आ गया आंसर फोर्टी सिमिलरली नेक्स्ट इलेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स सबसे पहले हम वन प्लेस वन प्लेस से करेंगे सिक्स जा सिक्स यहाँ पे भी वन है सिक्स वनजा सिक्स ओके नेक्स्ट एक्स थर्टी टू मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री को पहले हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे वंस प्लेस पे टू है क्योंकि थ्री टू ज़ा सिक्स फिर थ्री को टेंस प्लेस से थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री ज़ा थ्री वन ज़ा थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री थ्री ज़ा नाइन तो क्या आ गया हमारा आंसर नाइन्टी सिक्स नैक्स इलेवन मल्टीप्लाई बाय नाइन पहले हम वंस प्लेस से करेंगे नाइन वन ज़ा नाइन अब टेंस प्लेस से किया नाइन वन जा नाइन तो हमारा आंसर क्या आ गया नाइन्टी नाइन आपको पहले वन्स प्लेस से मल्टीप्लाई करना दैन टेंस प्लेस से करना और एग्जांपल देखते हैं हम ठीक है फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय वन वन प्लेस से करते हैं वन वन मल्टीप्लाई बाय फोर क्या आ गया फोर यहाँ पे भी वन मल्टीप्लाई बाय फोर वन फोर्जा? फोर ज़ा फोर ओके okay. नेक्स्ट 33 थर्टी थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री पहले हम वंस प्लेस से करेंगे थ्री थ्री ज़ा नाइन टेंस प्लेस पे भी थ्री है थ्री थ्री ज़ा नाइन तो आंसर क्या आ गया नाइन्टी नाइन 22 ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाय थ्री वंस प्लेस से पहले करेंगे मल्टीप्लाई थ्री टू ज़ा सिक्स यहाँ पर भी थ्री टू ज़ा सिक्स टेंस प्लेस पे टू है और थ्री से मल्टीप्लाई करना थ्री टू ज़ा सिक्स ओके थर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय टू ओके पहले हम वंस प्लेस से करेंगे टू फोर जा एट टू फोर जा एट और टू थ्री ज़ा अब टेंस प्लेस से करेंगे टू थ्री जा सिक्स तो क्या आंसर आ गया हमारा सिक्सटी एट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे से सम्स आ जाएंगे बस टेबल आपको लर्न होना चाहिए नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम ओके okay. विदाउट कैरी कैरी वाले नहीं हैं क्वेश्चन फर्स्ट देयर आर फोर चॉकलेट्स इन अ पैक हाउ मैनी चॉकलेट्स आर दे आर इन फाइव सच पैक्स ओके देर आर फोर चॉकलेट्स कितनी चॉकलेट्स है एक पैक में एक पैकेट में चार चॉकलेट्स है ओके okay. तो हमसे पूछा है कि फाइव ऐसे पैकेट है तो उसमें कितनी चॉकलेट होगी मीन्स फोर चॉकलेटें एंड फाइव पैकेटें तो हम फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं पाँच पैकेट्स में तो फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव अब बताओ फोर फाइव ज़ा या फ़ाइव फ़ोर ज़ा कितने होते हैं फ़ाइव वन ज़ा फ़ाइव फ़ाइव टू ज़ा टेन फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फ़ाइव फ़ोर ज़ा ट्वेंटी मीन्स पाँच पैकेट में कितनी चॉकलेट्स है ट्वेंटी है एक पैकेट में एक पैकेट है ये इसमें कितनी चॉकलेट है फोर चॉकलेट है कितनी चॉकलेटें फोर चॉकलेटें ये सेकेंड पैकेट है इसमें भी कितनी चॉकलेट है फोर थर्ड पैकेट है इसमें भी कितनी है फोर फोर्थ पैकेट है इसमें भी कितनी है फोर और ये फिफ्थ पैकेट है इसमें भी कितनी है फोर मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है